कानून के खिलाफ महानगर पालिका ने यहाँ पर कार्रवाई की है। महानगर पालिका के अधिकारियों पर जांच करके उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। अधिकारियों ने एल विभाग में भारत कोल कंपाउंड में एक महीना पहले कार्रवाई की। 1900 उन्होंने जाकर जबरदस्ती बिल्डर को मदद करने के लिए उन्होंने तोड़ा था और वहाँ के और सुप्रीम कोर्ट ने महानगर पालिका को 1 करोड़ रुपया डिपोजिट करने के लिए कहा है। तो उनके साथ स्थानीय नेताओं के साथ नेक्सस करके ये इस तरह से गरीब झोपड़ावासियों को बेघर करने का काम कर रहे हैं सरकार। क्या कहेंगे इस पूरे मामले में? आपको भी आज तक रोका गया है, क्या मांग करेंगे आप? नहीं, मांग तो यही करूंगा कि मैं महाराष्ट्र की सरकार से मैं तुरंत मांग करता हूं कि जो अधिकारियों ने जिस तरह से कानून के खिलाफ महानगर पालिका ने यहां पर कार्रवाई की है, महानगर पालिका के अधिकारियों पर जांच करके उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। क्योंकि इसी तरह की महानगर पालिका के अधिकारी ने एल विभाग में भारत कोल कंपाउंड में एक महीना पहले कार्रवाई की। 1960 के स्ट्रक्चर को उन्होंने जाकर जबरदस्ती बिल्डर को मदद करने के लिए उन्होंने तोड़ा था और वहां के सारे लोग हाईकोर्ट गए और हाईकोर्ट ने 4 दिन के अंदर रिकंस्ट्रक्शन का ऑर्डर दिया और उसके खिलाफ 4 दिन में हम बना नहीं सकते ये दुहाई लेके सुप्रीम कोर्ट महानगर पालिका गई और सुप्रीम कोर्ट ने महानगर पालिका को 1 करोड़ रुपया डिपॉजिट करने के लिए कहा है। तो महानगर पालिका के अधिकारी कहीं ना कहीं मुंबई में बिल्डरों के साथ स्थानीय नेताओं के साथ नेक्सस करके ये इस तरह से गरीब झोपड़ावासियों को बेघर करने का काम कर रहे हैं। सरकार को इसके अंदर दखल देना चाहिए। जो इस तरह के अधिकारी हैं, चाहे पुलिस विभाग के अधिकारी होवे या महानगर पालिका के अधिकारी होवे, सबके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसी हमारी मांग है।